अब जो हम ये रस्सी चला रहे हैं इससे हमें उसको वापस घुमाना है, क्योंकि ये डिजाइन है पूरी आधी बन चुकी है और आगे जगह थोड़ी कम बची है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको इसके अंदर पूरा बनाने की। अब शुरुआत से हम दो रस्सी उठाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे छह रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, और उसके आगे हम यहाँ पे छह रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में तीन रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाएंगे, और हमारी जो एक गुंडी है इसको लगाएंगे। इस गुंडी को लगाने के बाद में हम इस रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। अब इसको बनाने के बाद में हम दूसरी साइड की जो गुंडी इसको भी लगाएंगे। इसको लगाने के बाद में फिर हम इसको आगे इस प्रकार से लगाएंगे। अब हम इस रस्सी को पास में चिपकाएंगे। इसको पास में चिपकाने के बाद में आगे की जो रस्सी है वो हम किस प्रकार से चलाते हैं वो भी आप देखिए। अब हम शुरुआत से तीन रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से, उसके बाद में तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, और आगे हम तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे छह रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाएंगे, और यहाँ पे एक रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे छह रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, और आगे से हम तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर इसके आगे हम तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। तीन रस्सी को उठाने के बाद में ये जो गुंडी है इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद में जो हमारी दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद में इस रस्सी को हम पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से, और ये पास में चिपकाने के बाद में आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप देखिए। अब आगे हम इसको बनाने के लिए हम शुरुआत से एक रस्सी दबाते हैं और फिर तीन रस्सी उठाते हैं, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाते हैं। अब हम यहाँ पे एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे छह रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाएंगे, और आगे से हम तीन रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में छह रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर हम एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। आगे से तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ पे हम एक रस्सी दबाएंगे इस प्रकार से। एक रस्सी दबाने के बाद में यहाँ पे हम इस गुंडी को लगाएंगे। इस गुंडी को लगाने के बाद में इस गुंडी को लगाएंगे, और ये गुंडी लगाने के बाद में इसको पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। अब इसको पास में चिपकाने के बाद में आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप देखिए। अब हम इसको हम एक रस्सी दो रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ से तीन रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में तीन रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे छह रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम पांच रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाएंगे, और आगे से तीन रस्सी दबाकर छह रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे, फिर हम यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, और उसके बाद में जो लास्ट की दो रस्सी है इसको दबाकर हमारी जो गुंडी है इसको लगाएंगे। इस गुंडी को लगाने के बाद में आगे से हम दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको लगाएंगे इस प्रकार से, और अब इसको लगाने के बाद में ये जो रस्सी है उसको पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। तो अब इस रस्सी को पास में चिपका दी। इसको पास में चिपकाने के बाद में आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप देखिए।
आगे हम इसको बनाने के लिए शुरुआत से तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर हम यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे चार रस्सी दबाएंगे और आगे से दो रस्सी उठाएंगे, फिर हम यहाँ पे सात रस्सी दबाएंगे, फिर दो रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम चार रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में ये जो तीन रस्सी दबाने के बाद जो ये गुंडी है इसको लगाएंगे। इस गुंडी को लगाने के बाद में अब हम ये जो इस साइड की जो गुंडी है इसको लगा लिया। इसको लगाने के बाद में इस रस्सी को दूसरी साइड घुमाएंगे और यह जो गुंडी है इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद में इस रस्सी को पास में चिपकाएंगे और ये पास में चिपकाने के बाद में आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो देखिए। अब हम शुरुआत से यहाँ पे ये जो चार रस्सी है इसको दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ पे एक रस्सी उठाकर चार रस्सी दबाएंगे, फिर आगे से दो रस्सी उठाकर इस प्रकार से। अब आगे से ये जो दो रस्सी है इसको उठाएंगे और इसको उठाकर हम यहाँ पे नौ रस्सी दबाएंगे इस प्रकार से। नौ रस्सी दबाकर हम दो रस्सी उठाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे छह रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, फिर हम यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे और आगे से चार रस्सी दबाकर ये जो गुंडी है इसको लगाएंगे इस प्रकार से। ये गुंडी लगाने के बाद में दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको लगाएंगे इस प्रकार से। अब ये दूसरी साइड की जो गुंडी इसको लगाने के बाद में इस रस्सी को पास में चिपकाएंगे। पास में चिपकाने के बाद अब हम जो रस्सी चलाएंगे उसके शुरुआत से हम चार रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। चार रस्सी उठाने के बाद में एक रस्सी दबाएंगे और तीन रस्सी उठाएंगे, फिर हम यहाँ से तीन रस्सी दबाएंगे और छह रस्सी उठाएंगे। छह रस्सी उठाने के बाद में अब हम छह रस्सी उठाने के बाद में यहाँ से छह रस्सी दबाएंगे और एक रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। फिर छह रस्सी दबाकर उसके बाद छह रस्सी दबानी है और छह रस्सी दबाने के बाद में छह रस्सी उठानी इस प्रकार से। ये छह रस्सी उठाने के बाद में आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पे हम तीन रस्सी दबाएंगे फिर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे एक रस्सी दबाकर चार रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। अब हम जो ये गुंडी है इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद में ये जो दूसरी साइड हम खींचेंगे इस प्रकार से, दूसरी साइड खींचकर ये जो गुंडी है इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद आगे हम इसको पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से, और इसको पास में चिपकाने के बाद में आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप देखें। अब हम यहाँ से शुरुआत से चार रस्सी उठाएंगे और उसके बाद में दो रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे और पांच रस्सी उठाने के बाद में पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे भी हम पांच रस्सी दबाएंगे और पांच रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे दो रस्सी दबाकर चार रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। फिर ये जो गुंडी है इसको लगाएंगे। इस गुंडी को लगाने के बाद में
हमारे दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको भी लगाएंगे इस प्रकार से। इसको लगाया, अब हम यही दूसरी साइड की जो गुंडी है इसको भी लगाएंगे इस प्रकार से। इसको लगाने के बाद में इसको पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। ये पास में चिपकाने के बाद में थोड़ी इसको भी पास में कर देंगे ताकि ये जो बीच की जगह है वो पूरी हो जाए और हमको जगह मिल जाए कि हमारा जो ये फूल है, ये जो डिजाइन है वो पूरी हो सके। तो इस प्रकार से ये बनाने के बाद में अब आगे हम जो बनाते हैं उसमें हम ये जो शुरुआत से रस्सी उठा चलाते हैं उसमें अब हम चार रस्सी उठाएंगे। चार रस्सी उठाने के बाद में तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे। फिर आगे हम तीन रस्सी दबाकर चार रस्सी उठाएंगे और बाद में चार रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। पांच रस्सी उठाने के बाद में यहाँ पे हम चार रस्सी दबाएंगे और चार रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। अब ये जो चार रस्सी उठाने के बाद में हम आगे हम किस प्रकार से इसको बनाएंगे वो भी आप देखें। ये आपको पूरी पिड्डा हम बनाकर बताएंगे, लास्ट तक बनाकर बताएंगे, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं हम आगे और भी कोई डिज़ाइन बनाकर बताएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर चार रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। अब हम जो ये गुंडी है इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद में यहाँ पे ये जो इस प्रकार से ये गुंडी लगाएंगे और दूसरी साइड में इस रस्सी को खींचेंगे। फिर ये जो दूसरी साइड की जो गुंडी है इसको भी लगाएंगे। इसको लगाने के बाद में इस रस्सी को हम पास में खींचेंगे। अब हम इसको थोड़ा पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। और पास में चिपकाने के बाद में आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप देखिए। अब हम शुरुआत से चार रस्सी उठाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम चार रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे और आगे से तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे और आगे से तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर यहाँ पे ये जो तीन रस्सी उठाकर यहाँ पे तीन रस्सी दबाएंगे, फिर ये तीन रस्सी उठाकर चार रस्सी दबाएंगे और आगे से चार रस्सी उठाकर यहाँ पे हम जो ये गुंडी है इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद में अब हम इसको पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से और ये जो गुंडी है इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद में इस रस्सी को हम थोड़ा पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। ये पास में चिपकाया, अब हम इसको आगे किस प्रकार से बनाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक जो हमारी ये रस्सी पूरी हो चुकी है हम इसकी गांठ लगाते हैं, तब तक वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं। तो अब इससे आगे हम बनाने के लिए ये जो रस्सी है इसको यहाँ से लेके शुरुआत में ये चार रस्सी को दबाएंगे, फिर वह उसके बाद में हम ये चार रस्सी उठाएंगे। चार रस्सी दबाने के बाद में आगे की चार रस्सी को उठाएंगे और उसके बाद में हम ये जो एक रस्सी को दबाकर तीन रस्सी को उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी को दबाकर दो रस्सी उठाएंगे और उसके आगे हम ये जो दो रस्सी है इस दो रस्सी को दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे हम तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे और आगे हम यहाँ पे दो रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद में हम आगे से तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे हम एक रस्सी दबाकर चार रस्सी उठाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे जो ये जो गुंडी है इसको लगाएंगे। इस गुंडी को लगाने के बाद में ये जो दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको भी लगाएंगे। तो ये जो हमारी गुंडी है इसको हमने लगा लिया, अब हम इस रस्सी को दूसरी साइड खींचेंगे और ये जो दूसरी साइड की गुंडी है इसको लगाएंगे इस प्रकार से। तो ये दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको लगाने के बाद में अब हम आगे से हम इस रस्सी को वापस खींचेंगे और उसके बाद में हम इसको पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से।
अब हम आगे इसको एक रस्सी उठाएंगे शुरुआत से, एक रस्सी उठाने के बाद में आगे से हम तीन रस्सी दबाकर चार रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे हम दो रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, और यहाँ पे हम तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ पे हम पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, और यहाँ पे हम तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे हम शुरुआत से तीन रस्सी दबाकर सॉरी यहाँ पे हम तीन रस्सी उठाएंगे, और फिर हम एक रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से, फिर आगे से तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, और फिर दो रस्सी दबाकर चार रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में अब हम यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, और ये जो गुंडी है इसको लगाएंगे, इस गुंडी को लगाने के बाद में हम इस रस्सी को वापस खींचेंगे, तो ये जो गुंडी है इस प्रकार से ये लगानी है, और इसको लगाने के बाद में हम इस रस्सी को वापस खींचेंगे, और अब हम यहाँ पे इस साइड में इस रस्सी को खींचने के बाद में यहाँ पे जो गुंडी है इसको लगाएंगे इस प्रकार से, ये गुंडी लगाने के बाद में यहाँ पे थोड़ा बड़ा है ये जॉइंट है, इसलिए अब हम यहाँ पे जो ये गुंडी लगाएंगे इस प्रकार से, और ये गुंडी लगाने के बाद में हम इस रस्सी को थोड़ा पास में लेंगे, और इस साइड में भी थोड़ा पास में लेंगे, फिर हम इसको और टाइट से इसको नज़दीक लाएंगे, मजबूती से लाएंगे, ताकि ये जो हमारा जो डिज़ाइन है पूरा इसके अंदर आ जाए, लगभग तो पूरा आ ही जाएगा, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत इधर उधर रहा तो उसके लिए हम समाधान करेंगे। तो अब इस प्रकार से ये पास में चिपकाए हैं, अब हम आगे इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप देखिए। अब हम यहाँ पे शुरुआत से दो रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से, दो रस्सी उठाने के बाद में दो रस्सी दबाएंगे, और चार रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे हम तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे भी हम तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे यहाँ से, फिर आगे हम तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, और आगे से हम यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर चार रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे दो रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाएंगे, और ये जो गुंडी है इसको लगाएंगे इस प्रकार से, इसको लगाने के बाद में आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप देखें। अब ये जो गुंडी लगाने के बाद में हम इसको वापस खींचेंगे रस्सी को इस साइड में, और इस साइड की जो गुंडी है इसको लगाएंगे इस प्रकार से, ये गुंडी लगाने के बाद में अब हम इस रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। अब इसको पास में चिपकाने के बाद आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप देखिए। तो अब हम यहाँ पे शुरुआत से तीन रस्सी उठाएंगे, और उसके बाद में एक रस्सी दबाकर चार रस्सी उठाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से, और फिर आगे से चार रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से, और फिर आगे भी हम इसी प्रकार से तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे चार रस्सी दबाकर चार रस्सी उठाएंगे, और एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे इस गुंडी को हम लगाएंगे इस प्रकार से, इस गुंडी को लगाने के बाद में अब हम इसको दूसरी साइड में खींचेंगे, और फिर ये जो गुंडी है इसको लगाएंगे इस साइड में, इसको लगाने के बाद में अब हम इसको थोड़ा पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से, अब हम जो शुरुआत से बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो अब हम शुरुआत से एक रस्सी दबाएंगे, और फिर तीन रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से, और उसके बाद में आगे हम चार रस्सी दबाएंगे और चार रस्सी उठाएंगे
फिर यहाँ पे हम एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद में हम यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे। फिर उसके आगे हम अब यहाँ पे हम फिर से तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे और एक रस्सी दबाकर चार रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। और फिर आगे हम चार रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो ये गुंडी है इसको लगाएंगे इस प्रकार से। ये गुंडी लगाने के बाद में आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप देखिए। तो अब आगे हम इसको पास में चिपकाएंगे और ये टाइट बनाकर इस प्रकार से इसको हम वापस खींचेंगे। फिर यहाँ पे इस प्रकार से उठाएंगे और ये जो गुंडी है इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद में अब हम इस रस्सी को और पास में चिपकाएंगे, थोड़ा टाइट चिपकाएंगे क्योंकि अब हमारा जो फूल है वो थोड़ा सा बकाया रहा है और हम इसको पूरा बनना चाहते हैं। अब हम इसको पूरा बनकर बताएंगे आपको, तो आप लास्ट तक इसको देखें। अब जो हमारी ये रस्सी आएगी ये शुरुआत में दो रस्सी को दबाएगी, यहाँ पे दो रस्सी को दबाने के बाद में तीन रस्सी उठाएगी यहाँ से। तीन रस्सी उठाने के बाद में हम आगे से हम तीन रस्सी को दबाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे चार रस्सी उठाकर दो रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पे हम तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे। फिर आगे से तीन रस्सी उठाकर यहाँ पे अब तीन रस्सी उठाएंगे और तीन रस्सी उठाकर दो रस्सी दबाएंगे। फिर आगे से चार रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे और यहाँ पे हम तीन रस्सी उठाकर दो रस्सी दबाएंगे और उसके बाद में जो ये गुंडी है इसको लगाएंगे इस प्रकार से। इसको लगाने के बाद में अब हम इसको पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से और ये दूसरी साइड में जो इसको वापस खींचेंगे इस प्रकार से। और इस साइड की जो ये गुंडी है इसको भी हम लगाएंगे इस प्रकार से। ये लगाने के बाद अब आगे हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप देखिए। अब बनना बहुत कठिन हो चुका है क्योंकि बीच में जगह बहुत कम बची है, तो हम इस वीडियो को थोड़ा ब्रेक करके दोबारा स्टार्ट करते हैं।